हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, चेवरोलेट की स्पार्क है, 2020 का मॉडल है। लेकिन बट इसमें एयर कंडीशन सिस्टम में एक फॉल्ट क्या आ रहा है कि इसका कूलिंग होता है, कूलिंग होने होने के बाद लगभग आधा पौने घंटा बाद ऐसे रनिंग में कूलिंग छोड़ देता है, यानी हवा आना बंद हो जाता है। तो गेस कीजिए क्या हुआ रहेगा। तो इसका इवेपोरेटर कॉइल जो है ना, क्या बोलता है, जाकर के आइस फाउंडेशन बनने लगता है इसमें। तो इस वजह से मैं इसका सेंसर चेंज करने वाला हूँ, यानी कूलिंग कॉइल में जो सेंसर लगी रहती है ना, वो सेंसर इसका गया हुआ है। इस वजह से इसका चेंज करने वाले हैं। सेंसर दिखा देता हूँ आपको, ये वाली सेंसर गया हुआ है इसका, इस वजह से कूलिंग छोड़ देगा। कूलिंग तो नहीं छोड़ रहा है, कंप्रेशर कंटिन्यू चालू रहता है, बट एयर आना बंद हो जाता है, धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है, यानी आइस बन जाता है पूरे इवेपोरेटर कॉइल में। तो इस वजह से इसका सेंसर चेंज करने वाले हैं। तो चलो फिर मैं इसका सेंसर चेंज कर देता हूँ और बाहर आपको दिखा देता हूँ कि क्या पाइप में आइस बन रहा है क्या नहीं। तो चलो बाहर देखते हैं अपन। तो फाइनली अपन गाड़ी के बाहर आ चुके हैं और ये सक्शन वाली पाइप में देख पा रहे हैं आप, आइस बन रहा है। इस वजह से इवेपोरेटर कॉइल जो है आइस से जाम हो जाता है और कूलिंग होना बंद हो जाता है। देख पा रहे हैं आप, पूरे पाइप में आइस बनना स्टार्ट कर दिया। देख पा रहे हैं आप, पूरी पाइप में आइस बन रहा है। इस वजह से कंप्रेसर जरा भी देख रहे हैं, कंप्रेसर क्रीप नहीं मार रहा है। इस वजह से आइस बनने की वजह से कूलिंग हो रही है, लेकिन बस इवेपोरेटर पर जाम हो जाता है। इस वजह से कूलिंग आना, एयर आना ब्लॉक कर देता है। तो यही रीज़न है। तो चलो फिर, तो इसका सेंसर का जो लोकेशन है, ये रही। तो चलो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, फिर आगे चेक करते हैं अपन। तो फाइनली अपन सेंसर रिप्लेस कर दिया हूँ, रिप्लेस हो चुका अपना। तो चलो अपन बाहर देखते हैं कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है क्या नहीं। गाड़ी अभी चालू है, एसी वगैरह सब चालू है, लोड की स्पीड एक पे रखा हूँ और बाहर देखते हैं कंप्रेसर ट्रिप मार रहा है क्या नहीं मार रहा। तो चलो बाहर चलते हैं। तो फाइनली गाड़ी के बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी रेस करने को लगाया हूँ, ताकि देखेंगे ट्रिप हो रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले आप पाइप में देख लीजिए, आइस फाउंडेशन बन नहीं रहा है, और कंप्रेसर का वेट करते हैं ट्रिप हो रहा है क्या नहीं। रेस पकड़ने के लिए रखा हूँ, तो देख पा रहे हैं कंप्रेसर ट्रिप हो चुका है। तो फाइनली इसका ही फॉल्ट था, इसकी वजह से गाड़ी कूल नहीं कर रही थी, यानी आइस फाउंडेशन अंदर कॉइल जाम हो जाती थी आइस से। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।